विधानसभा के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है, पिछले सरकार ने नियुक्त नहीं किया था, मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नियुक्ति की है, ऐसे में कुंभकोणी के संदर्भ में मुख्यमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। मंगलवार को नागपुर में पत्रकारों से विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है, उन्हें पिछली सरकार ने नियुक्त नहीं किया था, मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है, ऐसे में कुंभकोणी के संदर्भ में मुख्यमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। मंगलवार को नागपुर में पत्रकारों से बोलते हुए कहा कि चूंकि सरकार को बकाया बिजली बिल साहूकार की भांति जबरन वसूलना है, इसलिए सरकार बकाया का कारण खड़ा कर रही है। कोविड की वजह से किसान एवं सामान्य नागरिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मदद करने के स्थान पर वसूली कर रही है, इसके लिए नाटक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए प्रेजेंटेशन से स्पष्ट होता है कि उनके कार्यकाल में कितना बकाया बढ़ा है। थकबाकी आपण दाखवतो याच्यामध्ये विशेषतः कृषी पंपांच्या संदर्भात आपण क्रॉस सबसिडी करतो, त्यानंतर जी काही आपले लॉसेस आहेत हे लॉसेस भरून काढण्याकरता आपल्याला जे टॅरिफ मिळतं त्या टॅरिफमधनं हे लॉसेस आपण भरून काढतो, त्यामुळे मला असं वाटतं की या ठिकाणी जबरन वसुली करण्याकरता हा सगळा बाऊ तयार करण्यात येतो आहे। एकीकडे कोरोनामुळे शेतकरी असो की सामान्य नागरिक असो तो अडचणीत आहे, आणि तो अडचणीत असताना त्याला मदत करायच्याऐवजी त्याच्याकडनं जबरन वसुली या सरकारला करायची आहे, सावकारासारखी वसुली करायची आहे, आणि म्हणून हे सगळे नाटक चाललेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।